जुलाई 2024 को लगभग दोपहर करीबन 1:30-2 PM बजे लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग 21 बटालियन ITBP के टैंक हेडक्वार्टर कोयूल से श्री दीपक भट्ट डिप्टी कमांडर की लीडरशिप में 21 जवानों का ग्रुप मिशन पर थे फ्रॉम 8th to 15th July का एंड 9th जुलाई 2024 की सुबह लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अपने मिशन पर नरबला टॉप से आगे इंटरनेशनल बाउंड्री की ओर जा रहे थे तो उन्हें दोपहर के लगभग 1:20 के आसपास में इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर पहले दो सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनके कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 kg गोल्ड, चाइनीज फूड आइटम्स और बाइनोकुलर्स वगैरह। उसके बाद LRP के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्माकल कमांडेंट 21 बटालियन को दी गई। अजय कमांडेंट ने LRP ट्रुप्स को बरामद गोल अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर्स को सेफली 21st बटालियन टैक हेडक्वार्टर कोयून में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया। ये LRP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल की बरामदगी है। सीज आइटम्स गोल 108 kg हमने बताया और मोबाइल फोन्स दो, एक बाइनोकुलर्स, चाइनीज फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेग्रेंट केक, मिल्क केन, मिल्क लस्सी, लव बेजिंग एक एक पैकेट और नाइफ्स दो और उनके साथ पोनीस दो, टॉर्च एक, हैमर एक, प्लायर एक और ये डिटेन पर्सन का नाम है। नंबर वन का है तेंजिन तार्की, एज 40 years, फादर्स नेम सफेल वांगदूर और दूसरा का छेरिंग चंपा, एज अप्रोक्सीमेटली 69 years, फादर्स नेम नोरबू दोर्जी, हैंडली का रहने वाला है। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। यह अवगत किया जा सकता है कि ITBP फोर्स को MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है और ITBP फोर्स का तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए ITBP एक्ट में भी प्रोविजन है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस और सिस्टर एजेंसीज, कस्टम्स एक्सेट्रा और ITBP फोर्स द्वारा ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आगे की पूछताछ और लोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। सर, जिस तरह से आपने जैसे कहा कि मोबाइल फोन्स वही सीज किए गए होंगे, आपको कोई कॉल रिकॉर्ड्स में या कोई लिंक अभी तक बरामद हुआ है? हाँ, वो उसका वो फॉलोअप्स अभी कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक और पर्सन को पिकअप किया है तो अभी इंट्रोगेशन चल रहे हैं अलॉन्ग विद द सिस्टर्स एजेंसीज। सर, ये दो सस्पेक्ट अभी दो ही पकड़े सर, हाँ, इसके पीछे ये चेन कहाँ तक है कुछ अभी सर, कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में है तो वी विल गेट इनटू द बॉटम ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन। सर, ये सबसे बड़ा जो है सीज किया है अभी तक ITBP ने जो स्मगलिंग है, इट इज इनफैक्ट ये हिस्ट्री है हमारे ITBP ऑर्गेनाइजेशन में और मे बी इवन CAPF ऑल्सो की इतना सीजर कभी हुआ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये पहला तो नहीं होगा सर, इससे पहले भी बहुत हो चुके हैं सर, तो ये कभी सामने नहीं आया सर इस तरह की, हो सकता है सर, बट बिकॉज ऑफ आवर विजिल एंड अलर्टनेस वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट दिस मूवमेंट ऑफ स्मगलर्स।
ये कब बरामद किए गए थे सर, मतलब कब लाया गया होगा ऐसा कुछ जानकारी अभी तक? अभी तो इनिशियल स्टेज में है, बाकी व्हाटएवर इंट्रोगेशंस में जो बोल रहे हैं वी विल कम टू नो फ्रॉम देम।